नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में बेस्ट इंकजेट प्रिंटर यानी कि आपका कैड का वर्क है, बैनर प्रिंट का वर्क है, आपका नक्शा का वर्क है, मैप का वर्क है, फोटो प्रिंट बड़ी बड़ी निकालते हैं, आपको लाइटिंग फ्रेम का वर्क है, तो आपको ये फोटो ऑल इन वन बेहतरीन तरीके से आज जिस मशीन के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इसमें आपकी प्रिंट भी होगी, जेरोक्स भी होगी, स्कैनिंग भी होगी, सारा वर्क आसान कर देने वाला वीडियो है दोस्तों। सबसे पहले ये वीडियो में जिसको हेल्पफुल हो रही है और मुझे बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज भी आ रहा है, उन सबको दिल से धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों आज जो प्रिंटर के बारे में बात करने वाले हैं वो है कैनन का TX सीरीज का 5310 मॉडल। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये बेस्ट फॉर्मेट में वाइड प्रिंटर आ जाता है, वाइड फॉर्मेट में प्रिंट आ जाता है। इसकी साइज की हम बात करें दोस्तों, ऐसे ही टेक्निकल और वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहे और ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों ये कैनन TX 5310 के बारे में हम बात करें तो इसमें दोस्तों आपको इसकी साइज के बारे में बात करें तो आपको ये 36 इंच में भी मिल जाता है और 48 इंच में भी आपको ये मशीन मिल जाता है। इसकी प्राइस डिफरेंट है, आगे इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसमें 5 इंक कलर यूज होती है, CMY और BK और MBK, ये 5 इंक इसमें यूज हो जाती है। और इंक लेवल की हम बात करें तो ये 5 इंक लेवल में, 1 इंक लेवल में हमारा 700 ml इंक इसमें यूज होता है दोस्तों। ये बिग फॉर्मेट में आ जाती है, इसका इंक भी ज़्यादा होता है। इसमें आप कौन कौन से तरीके से प्रिंट निकाल सकते हो, आपका स्टिकर बेस चलता है, फैब्रिक चलता है, क्लॉथ चलता है, कैनवास चल जाता है, ट्रांसलेट चल जाता है, फोटो, प्लेन पेपर, ग्लोसी पेपर, मेट पेपर, एंटी, ये सारे पेपर इसमें चल जाते हैं जो इंक पैड में चलते हैं। और दोस्तों हमारा जो इंक होता है, डाई बेस इंक आ जाता है, पिगमेंट आ जाता है, सब्लिमेशन आ जाता है। ये इंक के बारे में हमने पहले बात की थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इंक के बारे में नहीं मालूम है तो आप ये बात समझ लीजिए दोस्तों। ये प्रिंटर में हमें पिगमेंट इंक मिल जाती है, तो ज़्यादातर लोग ये मैप वगैरह में अभी पिगमेंट यूज ही चलती है, तो ये पिगमेंट यूज में कंपनी ने हमें यह मशीन बना दिया है दोस्तों। ये सारे प्रिंटिंग आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ प्रिंट चाहिए तो आपको सिर्फ प्रिंटर मिल जाता है, अगर स्कैनर आपको इसके साथ में चाहिए तो स्कैनर मिल जाता है, और आपके पास प्रिंटर है, आप स्कैनर लगाना चाहते हैं तो भी इसकी जो स्कैनर है हमें मिल जाता है दोस्तों। हमने TM के बारे में वीडियो बनाया था, वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें सिर्फ उसकी जो प्रिंट स्पीड थी वो भी कम थी, और इसमें 1 रोल ही आपको मिल जाते थे, और रोल थोड़ा पीछे आ जाता है इसलिए रोल चेंज करने में दिक्कत भी होती है। ये मशीन में 2 रोल आ जाते हैं, आप 2 टाइप के 2 डिफरेंट रोल लगा सकते हैं, वो भी आगे से ही लगा सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन तरीका भी आसान है दोस्तों, और आप इसमें स्कैनर यूज करते हैं तो बेहतरीन से आसानी से ये मशीन चल जाता है। आप इसमें जेरोक्स भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, और इसमें बेहतरीन बात ये प्रिंटर को ये बना देती है, अगर आप स्कैनर लेते हो तो इसमें आपको जो 12 इंच समथिंग की ये डिस्प्ले आपको मिल जाती है, पूरी टच है और सारा वर्क आपको आसान कर देने वाली है। उसमें कौन कौन से यूज होते हैं वो वीडियो लंबी बनाते हैं इसलिए उसकी बात नहीं करते हैं। कोई बार हमें ये प्रिंटर मिल जाता है तो इसका हम इंस्टॉलेशन का डेमो आपको दिखाएंगे, उसके लिए कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपकी एक कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही नई वीडियो हम जो ढूंढते रहते हैं प्रिंटर कहाँ पे है और इसकी वीडियो बना दे, क्योंकि सारे प्रिंटर तो हमारे लिए अलावा नहीं होते हैं। और कोई कोई बार प्रिंटर आता है तो उसमें क्या होता है, वो बॉक्स पैकिंग में होता है, हमारे दोस्त यहाँ वहाँ जहाँ इंस्टॉलेशन करने जाते हैं वहाँ मिलता है। अब दोस्तों इसके बारे में हम आगे की बात करें तो ये प्रिंटर में आपको सारा वर्क आसान कर देने वाला क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपको जो इसका रोल होता है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। रोल चला के आपको वहाँ राह देखनी होती है, वो TM में होता था, इसमें नहीं होता है। और इसकी प्रिंट स्पीड की बात करें तो A0 जो हमारा प्लान आ जाता है 24x36 इंच और 36 इंच बाई 48 इंच, जिसको हम A0 साइज बोलते हैं, वो प्लेन पेपर 34 सेकंड से 36 सेकंड में निकाल देता है। यस दोस्तों ये बात हो गई इसकी। अब दोस्तों इसमें आपको जो थिक पेपर निकालते हैं वो 1 मिनट 20 सेकंड में निकल जाता है। अगर आपका फोटो प्रिंट होता है तो 2 मिनट 30 सेकंड अराउंड आपको A0 फोटो प्रिंट निकाल के दे देता है। ये बेस्ट बात है। और इसकी ट्रांसलाइट जो आती है लाइटिंग फ्रेम में यूज होती है वो तो बेहतरीन प्रिंट इसमें आ जाती है, क्योंकि इसमें ट्रांसलाइट क्लॉथ बैनर चलता है। क्लॉथ बैनर भी आपको जो ये ट्रांसलाइट फिल्म जहाँ पे लगाते हैं लाइटिंग बैनर में, वहाँ अभी क्लॉथ बैनर भी चलता है, क्योंकि इकोनॉमी रेंज होती है जो हमारा प्राइस होता है वो कम करने के लिए। अब दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो आप ये जेन्युइन इंक में मिल जाता है। अगर आप इसमें थर्ड पार्टी इंक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कोई यूज़ करता है। तो इसमें ज़्यादातर दोस्तों इसकी कॉपी कॉस्ट के बारे में देखें तो 1 फीट में आपको 8 रुपीज़ अराउंड आपको इसकी प्रिंट लग जाती है। अब दोस्तों आप कौन सी प्रिंट इसमें निकालते हो उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि हमारी कैड प्रिंट होती है वो तो 4 रुपीज़ 6 रुपीज़ अराउंड आपको मिल जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ लाइन ड्राइंग होता है। अगर आप एलिवेशन निकालते हो तो इसकी प्रिंट की स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है, और इसकी प्राइस होती है प्रिंट प्राइस होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें इंक ज़्यादा यूज होता है। जो हमारा फोटो प्रिंट निकालते हैं तो फोटो पेपर यूज़ करते हैं तो उसका प्रिंट भी ज़्यादा होता है। अब दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में बात करें, आप ये दोस्तों अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आईपॉड होता है तो कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर हमारा इसमें पेन ड्राइव सपोर्ट भी आ जाता है, लैपटॉप, ये सारे में आप कनेक्ट करके इसमें प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा वर्क है तो आप ये सारे जो हमारा मल्टी कंप्यूटर चलते हैं तो सारे कंप्यूटर ये मशीन में नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें प्रिंट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 36 इंच इसमें 2 वेरिएंट आ जाते हैं। आपको 1 रोल का चाहिए तो भी मिल जाता है, 2 रोल का चाहिए तो भी मिल जाता है। 36 के बारे में बात करें तो 2 रोल अराउंड 2,80,000 में मिल जाता है। इसमें जो 2 रोल की बात करें तो ये मॉडल आपको जो ये मॉडल TX 5310 2 रोल में 3,25,000 ये दोनों प्राइस की मैंने बात की है, वो विदाउट स्कैनर की बात की है। अगर आप विथ स्कैनर लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 36 इंच 2 रोल विथ स्कैनर के साथ 4,10,000 अराउंड आपको मिल जाता है। दोस्तों ये बेस्ट प्रिंटर है। अगर आप एक बार प्रिंटर आपने परचेस कर लिया तो इसका हेड भी बेहतरीन आता है, ढेर सारी प्रिंट निकाल के दे देता है। ये एक बेस्ट सा स्मॉल सा बड़ी साइज का प्लॉटर आ जाता है और ऑल इन वन इसमें आप कोई भी चीज़ ढेर सारी प्रिंट निकालो कोई भी ये मशीन में दिक्कत आने वाली होती नहीं है, और जीरो मेंटेनेंस देने वाला मशीन है। आपको सिर्फ इंक ही चेंज करनी है, और इसकी जेन्युइन इंक भी जो थर्ड पार्टी इंक जैसी ही सस्ती मतलब कम से कम प्राइस में आपको मिल जाती है। दोस्तों ये था आज का कैनन TX 5310 मॉडल। आपको कैसा लगा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और आप ये वाइड फॉर्मेट से जुड़े हुए हो तो आपको कौन सा प्रिंटर बेस्ट लगा है वो मुझे बता देना। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली के वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक कर देना।